वेलकम बैक टू प्रशांति गोपाल्स किचन। आज मैं आपके साथ चाशनी वाली गुजिया या करंजी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि इस वीडियो में मैं परफेक्टली कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। तो चलिए गुजिया बनाना शुरू करते हैं। गुजिया बनाने के लिए मैंने एक बाउल में इस कप से 2 कप मैदा डाला है। फिर उसमें मोइन के लिए 5 बड़े चम्मच घी को मैंने ऐड कर लिया है। फिर चुटकी नमक को भी ऐड कर लिया। अब हमें मैदा को घी के साथ अच्छे से मिलाना है ताकि हमारा गुजिया परफेक्ट खस्ता बने। इसे हमें ऐसे मसलते हुए मिक्स करना है और इसे आप ऐसे मुट्ठी बनाकर देखोगे। अगर इसमें मोइन बनने लगे या ऐसे मुट्ठी बनने लगे तो समझे कि हमारा आटा गूंदने के लिए रेडी है। नॉर्मल पानी से ही आटे को गूंदना है। ना पूरा मुलायम और ना पूरा हार्ड, थोड़ा सख्त आटा लगाना है, या यूं माने सेमी हार्ड डो बनाना है। जिस कप से मैदा को मेजर करके लिया था इसी कप से पानी को मैं ऐड कर रही हूँ। साथ पूरा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंदना है। और मुझे लगभग 3/4 कप पानी लगा है इतना आटा गूंदने के लिए। और हमें आटे को पूरा चिकना नहीं करना है। आप देख सकते हैं आटे को तोड़ने से ऐसे लगेगा, इससे गुजिया में परत सी होती है। हमें डो को गीली कपड़े से कवर करके 20 मिनट के लिए साइड में रखना है। चलिए गुजिया के लिए फिलिंग बनाते हैं। फिलिंग बनाने के लिए मैंने एक पैन को गैस में चढ़ा के चारों ओर ऑयल से ग्रीज कर रही हूँ। फिर थोड़े ड्राई फ्रूट्स को ऐसे क्रश करके ऐड कर लिया पैन में ड्राई रोस्ट करने के लिए। पे मैंने कुछ आलमंड्स, थोड़े काजू और बादाम को क्रश करके किशमिश के साथ ऐड कर लिया है। ये थोड़े भूनने के बाद इसे निकाल के 3/4 कप सूजी को ऐड कर लिया भूनने के लिए। सूजी थोड़ा कलर चेंज होने के बाद 1/4 कप खसखस यानी पॉपी सीड को मैंने ऐड कर लिया। खसखस ड्राई रोस्ट हो गए हैं, उसे भी निकाल के ग्रेटेड कोकोनट को भी डाल दे भूनने के लिए। फिर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद 1 कप पाउडर शुगर को डाल के अच्छे से मिला ले। हमने चाशनी वाले गुजिया की फिलिंग्स भी बना लिया है, इसे साइड में रख के चलिए चाशनी बनाते हैं। इसके लिए मैंने गैस में पैन को चढ़ा के उसी कप से 1 कप चीनी को ऐड कर लिया। आप सोच रहे होंगे ना मैंने पाउडर शुगर डाला है क्या? नहीं फ्रेंड्स, वैसी कोई बात नहीं। फिलिंग्स के लिए जो शुगर ग्राइंड किया था ना, वो थोड़ा बच गया था, उसको दाना चीनी के साथ मैंने मिला के डाल लिया है। फिर उसमें 1.5 कप पानी को डाल दिया। यहाँ पे हमें स्टिकी शुगर सिरप चाहिए। चलिए चेक करते हैं शुगर सिरप को। सिरप स्टिकी है तो चाशनी हमारा तैयार है। इसे कवर करके साइड में रख लें। हमारा आटा बहुत देर रेस्ट कर लिया है, चलिए गुजिया बनाते हैं। आटे को फिर से थोड़ा गूंद के छोटी छोटी लोइयां बना रही हूँ। मैंने उसी आटे से इतने लोइयां बनाई है, उसे फिर से कवर कर देते हैं उसी कपड़े से। फिर एक कटोरी में मैंने एक थोड़ा मैदा और पानी को डाल के घोल बना लिया है। फिर मैंने एक लोई लेके थोड़ा मैदा डाल के चकली के ऊपर रख के बेल रही हूँ।
ना पूरा मोटा ना पूरा पतला बेलना है पूरी को। देखिए इतना मोटा ही रखना है। फिर हमें क्या करना है कि पूरी के साइड में मैदे का घोल को ऐसे लगाना है। एक साइड में 2 चम्मच फिलिंग को डाल दें। फिर एक साइड से उठा के दोनों को मिला के साइड में ऐसे प्रेस करेंगे। फिर गुजिए के साइड में डिज़ाइन करना है। ऐसे करने से फ्राई करने के टाइम फिलिंग बाहर नहीं निकलता है। पहले थोड़ा घुमा के मोड़ना है, जो आटा बाहर निकला है उसे फिर से उठा के मोड़ना है। देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बना है। थोड़ा प्रैक्टिस की ही ज़रूरत है सिर्फ, वरना बहुत अच्छा बनता है। अब मैं गुजिए को एक प्लेट में कपड़ा कवर करके रख रही हूँ। ऐसे कपड़ा कवर करने से गुजिया ड्राई नहीं होगा। अब मैं सांचे में बना के दिखाती हूँ। पहले पूरी को बेल के फिर सांचे में थोड़ा मैदा लगाना है। फिर सांचे के ऊपर पूरी को रख के साइड पे घोल को लगा ले। फिर स्टफिंग को दोनों तरफ डाल के सांचे को फोल्ड करके प्रेस कर ले। साइड से बचा हुआ आटे को निकाल ले। ये देखिए सांचे वाला गुजिया कैसे बनता है। ऐसे ही सारे गुजिया बनाते हैं। देखिए मैंने सारे गुजिया बना लिया है। चलिए आप गुजिये को फ्राई कर ले। इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। याद रखिए गुजिये को ज़्यादा गरम तेल में ऐड नहीं करना है। बहुत ज़्यादा गरम तेल में फ्राई करने से हमारा गुजिया का क्या होगा वो मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। गुजिये को ऑयल में डाल के तुरंत पलटना नहीं है। मीडियम टू लो फ्लेम में गुजिये को फ्राई करना है। फिर जब नीचे से थोड़ा फ्राई हो जाए तब पलटेंगे। ऐसे लो टू मीडियम फ्लेम में करंजी को फ्राई करने से बहुत क्रिस्पी बनता है और बहुत दिन तक क्रिस्पी ही रहता है, नरम नहीं होता। देखिए हमारा गुजिया गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसी वक्त हम इसे ऑयल से निकाल लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब मैं दिखाती हूँ, गरम तेल से गुजिया डालने से हमारा गुजिया का रंग इमिडिएटली चेंज हो गया और बबल्स भी ऊपर आ चुके हैं। इससे गुजिया फ्राई तो होगा पर थोड़े देर बाद नरम हो जाएगा। फिर मैंने गैस को बंद कर लिया।
तेल थोड़ा ठंडा होने के बाद गैस को ऑन करके लो फ्लेम में फ्राई करूंगी गुजिया को। पहले फ्राई किया हुआ इस गुजिया को गुनगुने चाशनी में मैं ऐड करेंगे। गुजिया के ऊपर एक स्पून से चाशनी को थोड़ा थोड़ा छिड़कना है। 2 मिनट चाशनी में रख के प्लेट में निकाल लेते हैं। ये गुजिया भी फ्राई हो चुके हैं, उसे निकाल के चाशनी में ऐड कर लेते हैं। देखिए मैंने सारे गुजिया बना लिया है। चाशनी वाले गुजिया कितने प्यारे बने हैं ना। आप भी एक बार मेरी बताई गई मेथड में बना के देखें। तो अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।